तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारे मुल्क में तालीम का निजाम इतना खस्ता है। बच्चे क्लासरूम्स के बजाय बाहर खुली धूप में तालीम हासिल कर रहे हैं, और आप उस प्रिंसिपल की जबान तो सुनती। आई वाज रियली शॉक्ड। हमने इतनी आसानी से तालीम हासिल की और हमारे मुल्क के बच्चे, बहुत नाइंसाफी उनके साथ। किस किस चीज़ को ठीक करोगे तुम? यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तुम अकेले क्या कर सकते हो? लेकिन मामा, ये कहकर हम इस बात से फरार तो हासिल नहीं कर सकते। इस सिस्टम में, इस माशरे में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, कोई किरदार है जो हमें प्ले करना है। माय गॉड, अब तुम तकरीर भी करने लगे हो। तकरीर नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं वाकई कुछ करना चाहता हूँ, स्पेशली एजुकेशन के लिए। ये तालीम ही तो है जो इंसान के अंदर शऊर पैदा करती है, अच्छे बुरे, बड़ों का अदब, इन सब की तमीज पैदा करती है। जानवर और इंसान में बेसिक फर्क तालीम का ही तो है। आप जानती हैं, जब अल्लाह ताला ने कुरान का नजूल शुरू किया हमारे नबी पाक पर, सबसे पहला लफ्ज क्या था? इकरा, पढ़, अपने रब के नाम से पढ़। हमारे तो मजहब में ही तालीम की इतनी ज्यादा अहमियत है कि आज मुसलमानों की तालीम की तरफ ना कदरी और कमी ही है जो उनके लिए इतनी रुसवाई का बायस बनी। तो क्या करोगे तुम? ये तो नहीं पता कि क्या करूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ करूंगा। जब से ये लड़का वापस आया है, इसने मुझे परेशान ही किया है। आगा वाला इंसिडेंट याद है ना? कितनी मुश्किल से मैंने आगा को मनाया है, बस मैं ही जानती हूँ। बिजनेस सर्कल का तो वो टाइकून है। अब क्या कर दिया उसने? अब साहबजादे कह रहे हैं कि उन्हें स्कॉलर बनना है, मजहबी स्कॉलर। ओह माय गॉड, यू मीन मौलवी? और क्या कहते हैं हमारे मुल्क में स्कॉलर को? मौलवी या मुल्ला ही तो कहते हैं। ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। सारी दुनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई सिविल सर्विस में जा रहा है, फिर फैशन डिजाइनिंग है, मॉडलिंग है, आर्किटेक्ट बन सकता है। लेकिन नहीं, हमारे साहबजादे दुनिया से अनोखे हैं, उन्हें बनना है तो क्या बनना है? मजहबी स्कॉलर। ये सब उस सदीकी के माँ बाप का कसूर है। कम ऑन मीरा, अब इसमें सिद्दीकी भाई के घर वाले कहाँ से आ गए? मेरा तो ख्याल है कि इंग्लैंड जाने के बाद उसमें ये चेंज आया है। आई थिंक उसकी कंपनी ठीक नहीं रही। तुम तो खुद गई भी थी ना, तुमने उसके फ्रेंड्स को नहीं देखा? तब तो ठीक ही था। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं 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 शफ़क, किसी लड़की वड़की का कोई चक्कर नहीं है, बस वो पढ़ाई में बिजी था और क्या। हाँ, ये तालीम नहीं उसको बिगाड़ा है। अब मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, सोचते हैं कुछ। आयशा का नजर नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी, उसके बाद फ्रेंड्स, और उसके बाद और बहुत कुछ। बड़े मशागिल होते हैं आजकल के बच्चों के, पेरेंट्स के लिए तो टाइम ही नहीं होता उनके पास। इट्स ऑल राइट शफ़क, अपना वक्त याद कर लो ना, हम भी तो यही कुछ किया करते थे। ये वक्त है, उसे एंजॉय करने दो। तुम ठीक कहती हो। कमाल बाबा, ये नासिर बहुत दिनों से नजर नहीं आया, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? वो तो जी चले गए यहाँ से। चले गए? कहाँ चले गए? मालिक को कोई और नौकरी मिल गई थी तो वो अपनी फैमिली को लेकर चला गया यहाँ से। कहाँ चले गए? मुझसे मिलके भी नहीं गया वो? जी मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, उसके स्कूल जाके पता करूंगा। नहीं, आप स्कूल ना जाइएगा, वो तो अपने गांव चले गए। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप नहीं जानते कि वो कहाँ गए। वो बाबा, दरअसल मुझे उसके गांव का अता पता भी मालूम नहीं। आपने गाड़ी शौकिया रखी है या शरई? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है सर।
नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब दे देंगे तो हमें आपको समझने में आसानी होगी। सर मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी काबिलियत क्या है, ये सब की इंफॉर्मेशन मेरी सीवी में मौजूद है। इससे ज्यादा आप क्या समझना चाहते हैं? दरअसल आपकी काबिलियत और आपके हुलिये ने हमें हैरत में डाल दिया है। ऑक्सफोर्ड का नौजवान मुल्ला नुमा हुलिये में कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली हैरत में तो मैं ज्यादा हूँ कि आप लोग मुझे मेरी काबिलियत से नहीं, मेरे होलिये से जज कर रहे हैं। तो आपकी ये दाढ़ी, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना अगर आपको शौक लगता है सर, तो मुझे इस बात का बड़ा शौक है। इजहार आजादी और शख्सी राय के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर जहां से किसी दूसरे फर्द की आजादी शुरू होती है वहां आपकी आजादी की हद खत्म हो जाती है, फिर वो चाहे इजहार अमल हो या इजहार राय। अच्छा तो अब्दुल कादर सिद्दीकी साहब, आप ये बताएं कि अगर सोमालिया के दारुलहुकूमत मोगादिशो में हॉलैंड की तर्ज पर पनीर बनाने की फैक्ट्रियां लगा दी जाएं, तो क्या वहां की गजाई किल्लत पर काबू पाया जा सकता है? सर आप सीरियसली गजाई किल्लत कैसे खत्म होगी जानना चाहते हैं या मुझे यहां से नायल करार देने के लिए टाइम पास कर रहे हैं? आप यही समझ लीजिए, मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि गजाई किल्लत पर कैसे काबू पाया जाए। फेयर इनफ। वैसे सर अगर अमेरिका अपनी सारी गंदम समंदर में फेंकने के बजाय गरीब ममालिक में बांट दे तो आई एम श्योर सोमालिया का ये सिर्फ पनीर खाने का जो मामला है ये खत्म हो सकता है। तो गोया आप तमाम बुराइयों की जड़ अमेरिका को समझते हैं? मैंने ये कब कहा? दहशतगर्दी, बदअमनी, इंतहा पसंदी, तालिबानाइजेशन, आपके नज़दीक इन ख्यालात का जिम्मेदार कौन है? क्या यह सब मजहबी इंतहा पसंदों की पैदा करदा मुसीबतें नहीं है? सर इस्लाम एतदाल का और एक बैलेंस्ड मजहब है, और जिन सब बातों की बात आप कर रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि वो इस्लाम दुश्मनों की साजिश हो। डोंट यू थिंक सो? देखिए बकौल आपके कि इस्लाम एक बैलेंस्ड रिलीजन है, तो आपने अपना ये हुलिया इतना इंतहा पसंदों वाला क्यों बना रखा है, ये टोपी दाढ़ी और शलवार कमीज? सर अगर मेरा हुलिया इंतहा पसंदों वाला है तो आप भी तो एक दूसरे एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। ये भी तो एक इंतहा ही है। आई एम सॉरी लेकिन आपका ये सूट, ये फ्रेंच बियर्ड, आप क्लीन शेव हैं, क्या मैं आप लोगों को इंतहा पसंद स्कॉलर्स नहीं कह सकता? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपका इस्लाम के किस फिरके से ताल्लुक है, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी या अहले हदीस? मेरा इस्लाम के उस फिरके से ताल्लुक है जिसकी बुनियाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। तो गोया आप दुनिया को 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं? जी नहीं सर, ये मिस्टेक। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए जिस मजहब का इंतखाब किया है वो इस्लाम, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका लेटेस्ट एडिशन लेकर आए, और हम बाकी सारे मजाहिब से बहुत आगे हैं। क्या आप अपने आप को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अहल समझते हैं? हमारी यूनिवर्सिटी जदीद और मॉडर्न जमाने की यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सर, मैं अपने आप को यहाँ पढ़ाने के काबिल समझता हूँ और काबिल हूँ भी, और इस बात की गवाही मेरे सर्टिफिकेट्स और मेरी सीवी आपको देगी। लेकिन अगर आप लोग मुझे मेरी काबिलियत से नहीं, मेरे हुलिये से जज कर रहे हैं तो आई एम सॉरी सर, बैकवर्ड मैं नहीं, बैकवर्ड आप लोग हैं। काफी प्रेजुडिशियल विजिट हैं आप लोग, बट इट्स ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड डे। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ सर, आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, लोगों को उनके हुलिये से परखना छोड़ दीजिए। वैसे मुझे इस जॉब की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और डिजर्विंग आदमी जिसे इस जॉब की बहुत जरूरत हो उसके साथ बहुत ज्यादती हो सकती है, और ये जुल्म भी है। और जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है सर, इस्लाम कोई एक्सट्रीमिस्ट मजहब नहीं है, ये वो मजहब है जो अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए बनाया है, और इस्लाम आपकी जिंदगी के किसी खास हिस्से या खास उम्र के लिए नहीं है सर, ये आपके लिए ता उम्र बनाया गया है। ये मजहब पानी की बोतल नहीं है सर, जो प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए चंद घूंट पी लिया, ये तो आपकी रगों में दौड़ने वाला खून है जो आखिर तक दौड़ता रहेगा।
अल्लाह हाफिज। अरे आयशा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हे गाइस, इनसे मिले। ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त मिस्टर अब्दुल कादिर सिद्दीकी हैं। हे आयशा, तुम्हारे दोस्त? अनबिलीवेबल है ना, काबिले यकीन बात। लेकिन पहले ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, ये तो काफी आशिक मिजाज हुआ करते थे। एक लड़की पर मर मिटते थे। आयशा, तुम पर? अल्लाह ना करे, वो तो कोई और ही हसीना जबीना थी। क्या बात है, मौलाना तो बड़े रोमांटिक निकले। क्यों है, क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? तो गोया इश्क के मिजाजी से इश्क के हकीकी का सफर किया है जनाब ने? जी नहीं, बल्कि बिल्ली ने 900 चूहे खाकर हज का सफर किया है। मैं चलता हूँ। अरे मौलाना साहब, ये कहीं बम बम तो नहीं बांधा हुआ आपने? अरे कहाँ चलती है, कोई नसीहत ही करते चले, किसी को काफिर का फतवा या रोजे की बशारत ही देते चले। अरे और कुछ नहीं तो उस लड़की का नाम ही बता दे जिसने आपकी ये हालत कर दी। क्या हुआ लड़की, मदद कर दे? बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, get lost। बड़ा नखरा है तुम्हारा, लगी रहो गर्मी में, जाओ यहाँ से। इतनी मेहनत, जरा हेल्प तो करने दो। हम आपकी हेल्प ना करें। लो। मैं मदद कर देता हूँ आपकी। नहीं शुक्रिया, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ अपना काम खुद कर सकती हैं, लेकिन ये जगह और माहौल आपको ये काम इतनी आसानी से करने नहीं देंगे। आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, मेरे सर पर क्यों सवार हो गए? अच्छा, अगर आपको बुरा लगता है तो आई कैन लीव, लेकिन अपने जमीर का क्या करूं जो आपको इस तरह यहाँ अकेला छोड़ने पर राजी नहीं कर रहा। लेट मी हेल्प। मुसीबत है, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था, आज का दिन ही मनहूस है। I think आपका रेडिएटर लीक कर गया है, आप गाड़ी लॉक कर दीजिए, I'll drop you। आप ड्रॉप करेंगे मुझे? आप? आपके नजरियात ख्यालात की रोशनी में इस बात को जायज समझते हैं कि आप एक लड़की को लिफ्ट देंगे? किसी जरूरतमंद की मदद करना कभी भी नाजायज नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं अपने आप से ज्यादा किसी टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा ड्राइवर पर भरोसा तो करने से रहा। I'm sorry, तुम्हें आज मेरे साथ बाउंड होना पड़ा, तुम बिजी तो नहीं थे? अगर बिजी होता भी तो आपकी वजह से सारी मसरूफियत तर्क कर देता। बहुत ख्याल करने लगे हो मेरा। आप माँ है मेरी, सबसे ज्यादा हक है आपका मुझ पर। चलो आजमाएंगे किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत को। क्या हाल है, क्यों तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तुमने अपना होलिया क्या बनाया हुआ, बिल्कुल मजनू लग रहे हो। एक्सक्यूज मामा, मैं अभी जा रहा हूँ, फिर आपको बाद में पिक करने के लिए आ जाऊंगा। अभी थोड़ी देर तो बैठो ना, मुझे बस जरा सा काम है, उसके बाद मुझे फैक्ट्री जाना है, तो इकट्ठे चलते हैं। बैठ जाओ अभी। जी। ये क्यों? चल रहा करो, इतना ज्यादा सीरियस होना भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या बना यूनिवर्सिटी में उस दिन? उन लोगों को मैं पसंद नहीं आया। क्या मतलब? मेरी डिग्री और मेरी क्वालिफिकेशन से ज्यादा उन्होंने मुझे मेरे हुलिये से परखना चाहा। देख लो अब्दुल कादिर,
यही बात तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तो खुद सोचो दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है। अपने आप को थोड़ा चेंज करो, जमाने के साथ चलना पड़ता है, वरना ये जमाना आपको रौंद कर निकल जाता है। ये जमाना और वक्त कभी किसी के लिए एक सा नहीं होता, ना ही कभी किसी के लिए रुकता है। वैसे भी असल इंसान वो होता है जो जमाने के सामने नहीं बल्कि जमाने को अपने सामने झुकाए। अब्दुल कादिर। जी मामा। तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी बाहर जा रहा था। आज आयशा की बर्थडे है, ये गिफ्ट जरा उसे पहुंचा दो, मैं नहीं निकल सकूंगी। मामा मुझे जरूरी काम था। ये भी जरूरी काम है बेटा, लेकिन खैर तुम नहीं कर सकते तो बता दो। नहीं नहीं मैं चला जाता। मम्मा नहीं आई तुम्हारी? As usual, busy थी वो। उन्होंने आयशा के लिए गिफ्ट भेजा। Hi अब्दुल कादिर। Happy birthday आयशा। Thank you. This is for you. Oh, thanks. अच्छा आंटी, मैं अब चलता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकते हो? केक तो खा के जाना। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इस तकल्लुफ की भी कोई जरूरत नहीं है, आंटी को वापस कर देना। आप तो नाराज हो गई। अच्छा I'll stay. Cool. आओ चलो। अरे इससे कहाँ ले जा रही हो? इनसे मिले, ये है मिस्टर अब्दुल कादिर। अस्सलामुअलैकुम। मौलाना कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लेंगे? I don't drink. Thank you. बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, इसमें बोरियत की क्या बात है? वो अब तुम पार्टीज अटेंड नहीं करते तो आई वाज थिंकिंग के यू नो। हेलो आयशा, कैसी हो? हाय जेजे। ये कौन है? तुम्हारा निकाह पढ़ाने तो नहीं आया मौलाना साहब? ओ प्लीज डोंट बी सिली, ये मेरे फ्रेंड है। हाय आयशा, ऐसे दोस्त भी बना रखे हैं तुमने, वैरायटी है भाई। से क्या जालिम मसल हैं तुम्हारे? क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल कादिर। नाम तो बड़ा जालिम है। अच्छा आयशा मैं चलता हूँ। क्यों? हाय इतनी जल्दी? अभी तो हमारा तारुफ भी पूरा नहीं हुआ। आयशा बता रही थी पहले आप बहुत मॉडर्न हुआ करते थे, इतने बदल कैसे गए आप? मगरबी दुनिया में आजकल इस्लाम के बारे में जानने का काफ़ी शौक पैदा हो रहा है। ये सब वॉर ऑन टेरर की वजह से, वरना मुसलमानों का किरदार ऐसा कहाँ कि लोग हमारी तरफ माइल हो जाएं। आयशा बता रही थी कि आप किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे, शायद उसकी नाकामी की वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। हाय यूट्यूब रूटर्स, तुम तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे जे ये मौलाना अंदर से बड़े गुन्ने होते हैं और ऊपर से फरिश्ता बनने की कोशिश करते हैं। वैसे अमरीका और यूरोप के लोग भी बड़े खबीस हैं, मुसलमानों को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब ये कार्टून्स का इशू ही ले, इजहार आज़ादी का ज़माना है, वो तो अपने पैगंबर को नहीं छोड़ देता। अच्छा तो तुम्हारे नज़दीक हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना आज़ादी इजहार के ज़मरे में आता है? तो और क्या, ये हम मुसलमान ही तो हैं जो ज़रा ज़रा सी बात पर जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा ज़रा ज़रा सी बात, तो अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को गाली दूंगा तो मुझे यकीन है तुम्हें ये बात भी बिल्कुल बुरी नहीं लगी। क्या बकवास कर रहे हो? इसमें बकवास की क्या बात है, आज़ादी इजहार का हक तो हर किसी को हासिल है। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं अपने आप को जो कुछ भी समझता हूँ लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना चाहता हूँ। मैं मेरे बारे में जो कुछ कहना है कह लो, बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, समझे? छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो अब्दुल कादिर? ये तुम जरा जरा सी बात पर। जरा सी बात नहीं है मामा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें शफक से और उस लड़के से माफी मांगी होगी। अगर आप कहेंगी तो मैं शफक आंटी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लड़के से हरगिज नहीं, बल्कि उस लड़के को तो अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। तुम जानते हो वो किसका बेटा है? और आप जानती हैं वो वहां क्या कुछ कह रहा था? तुम किसी टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हो गए हो, माय गॉड, तुमने उस दिन जरा सी बात पर आगा को और अब ये, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अब्दुल कादिर। आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा ताल्लुक किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं,
आप गलत सोच रही हैं। सब दिखावा है, फ्रॉड कर रहे हो तुम। ये एहतराम, ये अदब, ये मोहब्बत। तुम लंदन से वापस क्यों आए? क्या हुआ था वहां? और वो तुम्हारी शादी, कौन थी वो मनहूस लड़की? इन सब बातों के पीछे क्या है अब्दुल कादिर? तुम किसके लिए काम कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा बाबा, मैं सिर्फ अपने आप को उस तरह बदलना चाह रहा हूँ जिस तरह मेरा रब चाहता है, मेरा अल्लाह चाहता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब्दुल कादिर, सब्र और मोहब्बत से काम करो। बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी सब्र का दामन हाथ से छूट जाता। तुमको पता, अल्लाह सब्र करने वाले को बहुत पसंद करता। मैं तुम्हारी तरह साबिर नहीं हूँ। तुमने तो लोगों की बातों पर सब्र किया, वालदैन की तलखी पर सब्र किया, अपनी बीमारी पर सब्र किया। काश मैं तुमसे तुम्हारी एक खूबी ले सकता। तुमका तो बहुत सारा खूबियां है अब्दुल कादिर, बहुत अच्छा अच्छा खूबियां है। सबसे बड़ा खूबी तो यह है कि तुमने अपने आप को बदला। Not everyone can do that, you know. लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है नूर। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना, तो मैं अब तक गुनाहों के रास्तों पर भटक रहा होता और इतना दूर निकल चुका होता कि शायद वापसी मुमकिन ना होती। तो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई, वो रोशनी जिसमें अंधेरों को खत्म करने की सलाहियत है। काश ये रोशनी मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ होती। हम अब भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दिल में, तुम्हारा रूह में। ये जुदाई आरजी है, हम फिर मिलेगा हमेशा के लिए। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मेरी परेशानी का? बिल्कुल अंदाजा है। उस दिन अब्दुल कादिर ने जैसा बिहेव किया, वो देख के तो वाकई मैं भी परेशान हो गई थी। मुझे बड़ा ही अफसोस है, आई एम सो सॉरी, मैंने आयशा की बर्थडे पार्टी खराब कर दी। मुझे अब्दुल कादिर को भेजना ही नहीं चाहिए था। डोंट से सॉरी यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये लड़का तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? इसकी एक तरकीब है मेरे पास। क्या? उसकी शादी। शादी? और कौन करेगा उससे शादी? तुम करोगे आयशा की शादी अब्दुल कादिर से? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम आयशा के लिए अब्दुल कादिर को कबूल नहीं कर रही। मेरे सर्कल में तो ऐसा कोई नहीं है जो उसका हुलिया देख के उसे कबूल कर ले। और किसी मजहबी घराने में तो मैं उसकी शादी करूंगी नहीं। मैं चाहती हूँ उसके जुनून में कमी हो, ना कि इजाफा। देखो मीरा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर औरत चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है, मर्द को टोटली बदल सकती है। तुम अपने आप को देखो, सिद्दीकी भाई को कैसे बदल के रख दिया है तुमने। वो बात और थी, सिद्दीकी मुझसे मोहब्बत करते थे। अब मैं कहाँ से एक लड़की लाऊं जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करे और अब्दुल कादिर भी उससे मोहब्बत करे? ऐसी एक लड़की है जिससे अब्दुल कादिर भी मोहब्बत करता है और उसने अब्दुल कादिर को बदल के रख दिया था। कौन? जरीन। जरीन? हाँ। ऐसी एक लड़की है जिससे अब्दुल कादिर भी मोहब्बत करता है और उसने अब्दुल कादिर को बदल के रख दिया था। जरीन? नहीं, जरीन नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। मैं क्या करूं?
जी शकील साहब, आपको मैंने एक काम कहा था कुछ दिन पहले। जी मैडम, वो हो गया। हो गया? जरीन खान आफरीद उनका नाम है और मैगजीन की लॉन्चिंग में उन्होंने शौकिया मॉडलिंग की थी। जरीन खान आफरीद, और क्या पता चला? और शादीशुदा हैं और उनके शोहर का नाम डॉक्टर नौफिल एहसान है, आजकल अमेरिका में मुकीम है। शादीशुदा है और अमेरिका में है? जी मैडम, सेपरेशन के बाद आजकल इसी शहर में है। तो ये बताएं ना आप। जी मैडम। एड्रेस? एड्रेस मैं आपको एक दो दिन तक दे दूंगा। एक दिन शकील साहब, बस एक दिन। जी मैडम, जाइए। ओके। ठीक है जरी, मैं हार गई, एक माँ हार गई। मेरी अब तमाम उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। तुम ही अब्दुल कादिर को वापस ला सकती हो। जहां एक माँ की हद खत्म होती है, वहां से महबूबा की हद शुरू हो जाती है। और तुम्हें हर हाल में अब्दुल कादिर को वापस लाना है। जरी, आप? तुम जरी हो ना? जी मैं जरीन हूँ, लेकिन आप कौन हैं? इस वक्त अगर चंदा लेने आई हैं, तो इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं मीरा हूँ, मीरा सिद्दीकी। मीरा? मैं किसी मीरा सिद्दीकी को नहीं जानती। अब्दुल कादिर, आई मीन एक्यू की माँ। कौन एक्यू? कौन मीरा? तुम मीरा को नहीं जानती, एक्यू को नहीं जानती, उस एक्यू को जो तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बचा था। हटो, हटो। अरे कहाँ जा रही हैं आप? अरे देखो, अगर कुछ चुराने आई हो ना, तो यहाँ इतना कुछ भी कीमती नहीं है जो तुम चुरा के ले जा सको। ऐसे शक्ल से तो चोरो चकी नहीं लगती। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कुछ चुराने नहीं आई, बल्कि उस चोर से मिलने आई हूँ जिसने मेरे बेटे का चैन, उसका आराम, उसकी रातों की नींद, सब कुछ छीन लिया था। उस बाकमाल चोर से जिसने अब्दुल कादिर को चुराया और उसे एक्यू बना दिया। चाहती क्या है आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि वो चोर अपने हुनर को एक बार फिर आजमाए। क्या मतलब? बताती हूँ, पहले एक ग्लास पानी लेकर। हेलो, हाँ। नहीं नहीं, 45 क्यों, तुम 50 लाख की ऑफर कर दो। मुझे वो जगह हर कीमत पर चाहिए। तुम कर दो ना 50 लाख की ऑफर, ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा समझा दूं। हाँ ओके। I'm really sorry आंटी, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। It's okay बेटा, लेकिन अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। तुम्हें पता है मीरा तुम्हारी वजह से कितनी डिस्टर्ब है, कितनी परेशान है। मैं जानता हूँ आंटी, लेकिन आप यकीन जानिए, मैंने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मामा बाबा को कोई तकलीफ हो। मैं इस तरह के बदलने की बात नहीं कर रही जिस तरह के तुम बदले हो। जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, ऐसे बदलो, बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। मम्मी का मतलब है नॉर्मल इंसान जो आजकल दुनिया में पाए जाते हैं। ये जो हुलिया आपने बनाए रखा है ना, आज से 3-4 सदियां पहले होता तो शायद नॉर्मल लगता, लेकिन आजकल के जमाने में ऐसे लोगों को एबनॉर्मल कहते हैं। I'm really sorry, आशा। मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी में काफी बदमजगी हो गई। क्या सॉरी? हाँ क्या सॉरी? जो बदमजगी हुई और जो मेरी बेइज्जती हुई, वो एक सॉरी का लफ्ज आपका अजाला कर देगा उसका? हाँ कितना आसान है ना ये सॉरी कहना। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा माय फुट! मेरे दोस्तों के नजदीक जो मेरी बेइज्जती हुई है, जो मेरा मजाक उड़ाया, उसका अंदाजा है आपको? ओफो, अब सॉरी कर रहा है ना, भूल जाओ सब कुछ। मेरे नजदीक ना ही इनकी माजरत की कोई अहमियत है और ना ही कोई जरूरत। और हाँ मिस्टर अब्दुल कादिर, ये जो ढोंग रचा रहे हैं ना आप, इसमें आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। याद है आपको एक बार मैंने आपको कहा था कि आप एक आइसबर्ग की मानंद है? मैं गलत थी। आइसबर्ग तो सिर्फ जवाब पर से नजर आता है, पानी में भी सिर्फ वही होता है। जो आप बाहर से नजर आते हैं, अंदर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। आयशा, रहने दीजिए आंटी,
इसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आयशा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने अंदर और बाहर के फर्क को मिटा सकूं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। मेरे हक में दुआ कीजिएगा आंटी। खुदा हाफिज। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपकी बात मान जाऊंगी? गलत फहमी है आपको मेरे बारे में क्या? मुझे तुम्हारे बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। तुम्हारा माजी, तुम्हारा हाल, तुम्हारा किरदार, ये सब चीजें मुझे तुम्हारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार होने ही नहीं देते। बहुत कुछ जानती हैं ना आप मेरे बारे में। भले मेरा किरदार दागदार, कमजोर और बुरा हो, मगर मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैडम मीरा सिद्दीकी, आप बहुत ही ढीठ खातून हैं। जिस लड़की को आप एक सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिस लड़की में इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, आज उसी बेगैरत लड़की के घर पर आप भीख मांग रही हैं। Doesn't that sound strange? बकवास बंद करो। बकवास आप बंद करें और यहां से चली जाएं। मैं आपको एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आउट। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो और पछताओगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन कभी पछताई नहीं हूँ। ये जो अपार्टमेंट है, इसका तुमने मेरा ख्याल है 3 महीने से किराया नहीं दिया, या शायद 4 महीने से। और तुम अपने तमाम दोस्तों से उधार मांग चुकी हो और वापस लौटाने के लिए बहाने कर रही हो। तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने से अब कतराते हैं कि कहीं तुम उनसे और पैसे ना मांग लो। कल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अहमद की बर्थडे है, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बुलाया क्योंकि तुम्हारा ये हुलिया उन्हें शर्मिंदगी में मुब्तला कर। विल यू प्लीज। तुमने 2-3 महीने से कोई नई चीज नहीं खरीदी, ना कोई लिबास, ना बैग, ना ज्वेलरी, ना जूता, और शायद 3-4 हफ्ते से तो तुम पार्लर भी नहीं गई, राइट? देखिए, आप तुम्हारी जॉब भी जरा अनस्टेबल ही चल रही है क्योंकि तुम्हारा बॉस आफंदी तुमसे बहुत तंग है। वो सिर्फ शिराज का लिहाज कर रहा है और शिराज भी तुमसे तंग आ ही जाएगा, बल्कि मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा तंग आ चुका है क्योंकि कल अहमद की बर्थडे पे वो लिली को अपने साथ लेकर जा रहा है। तुम्हारी गाड़ी भी 3 हफ्तों से गैराज में खड़ी है और तुम रिक्शों में धक्के खा रही हो, और तुम कनाडा जाना चाहती हो लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अपने माँ बाप के पास गई थी तुम पैसे मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दी बल्कि घर से निकाल दिया, राइट? कैसे जानती हैं आप ये सब? मैं ये सब कुछ कैसे जानती हूँ इस बात को तुम छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारे हालात बदल सकती हूँ अगर तुम काइंडली। चंद रोज मेरी जान, फकत चंद ही रोज और। नहीं जानती उस एक्यू को जो तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में जाते जाते बचा था। मतलब ये कि मैं कुछ चुराने नहीं आई, बल्कि उस चोर से मिलने आई हूं जिसने मेरे बेटे का चैन, उसका आराम, उसकी रातों की नींद सब कुछ छीन लिया था। उस बाकमाल चोर से जिसने अब्दुल कादिर को चुराया और उसे एक्यू बना दिया। मैं चाहती हूं कि वो चोर अपने हुनर को एक बार फिर आजमाए। मैं हैरान इस बात पर हूं कि तुम किस कदर ढीठ लड़की हो, इतना कुछ होने के बाद भी इस घर में आ गई। अगर तुम में जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स और अना है ना, तो दोबारा इस घर में कदम मत रखना। मैडम मीरा, तुम्हारे इन अल्फाज को सूद समेत लौटाने का मौका मिला है मुझे, और मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। जो तुम चाहती हो वो मैं कभी नहीं करूंगी। तुमने जरीन से बात की? हाँ, हुई। क्या कहा उसने? बड़ी चीज है वो, इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। अरे, प्यार और मोहब्बत से बात करनी थी। वो इस काबिल है कि उससे प्यार और मोहब्बत से बात की जाए? तुम नहीं जानती शफक, मैंने किस तरह अपने अंदर हौसला पैदा किया है कि मैं उससे बात भी करूं।
मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उस दो टके की लड़की के आगे हाथ फैलाने होंगे, मदद की भीख मांगनी होगी, उसकी बातें बर्दाश्त करनी होगी। कूल डाउन मीरा, अगर तुमने अपने गुस्से और नफरत पे काबू ना पाया तो तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है, और तुम्हें पता है ना, वक्त पे गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। जानती हूँ, इसलिए तो इतनी बातें सुनकर भी चुप रही, वरना दिल चाह रहा था उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारूं कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। फिर वही गुस्सा। अरे इस वक्त तुम्हें ये सोचना है कि उसको कैसे मनाना है, डार्लिंग ये नहीं सोचना कि उसको कैसे पीटना है। मान जाएगी, बहुत जल्द मेरी ऑफर के आगे घुटने टेक देगी। जी सर, बैठिए प्लीज। देखिए मिस, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आजकल जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक हालात हैं, किस कदर रिसेशन है, हमारी छोटी सी कंपनी इतने सारे एम्प्लॉइज अफोर्ड नहीं कर सकती। ये अचानक पूरी दुनिया के हालात का सर आपके कंपनी पर कैसे पड़ गया? अभी कल तक तो मिजरीन, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आप प्लीज कल से नहीं आएगा। अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं आपके खिलाफ केस करूंगी। किसी भी एम्प्लॉय को निकालने से पहले कंपनी उसे लीगल नोटिस देती है। शौक से कीजिएगा केस। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैंने आपको रखा था मैंने आपसे कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं किया था। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको जो इस ऑफिस में मैंने रखा था सिर्फ शहराज के कहने पर रखा था ताकि इस ऑफिस का माहौल खुशगवार रहे।